जहां ग्रामीण आबादी बेहतर स्वास्थ्य सेवा से आज भी वंचित है। जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति दयनीय बनी हुई है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बड़ी आबादी झोला छाप डॉक्टरों और नीम हकीमों के ऊपर निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्र बना भी है तो मरीजों का इलाज नहीं बल्कि वो खुद का इलाज कराने को मजबूर दिखाई पड़ता है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद चिकित्सक और कर्मी के अभाव में ये बेकार पड़ा है। बदहाली का आलम ये है कि इन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर से लेकर नर्स तक का अभाव है। कई उप स्वास्थ्य केंद्र ऐसे भी है जहाँ कभी कभी ताला खुलता है। साल पहले बना है, जब ये हॉस्पिटल बना था तो हम लोग को बहुत उम्मीद थी कि यहाँ डॉक्टर बैठेंगे और हम लोग का सुविधा मिलेगा। आज डॉक्टर नहीं बैठने के कारण हम लोग को बहुत तकलीफ हो रही है, डालटे में जाना पड़ रहा है और गांव बहुत दूर में है, देख ही रहे हैं, तो इसीलिए डॉक्टर को बैठेंगे। भाई सर्विस के लिए तो बहुत ज़रूरी है, गाँव के लोग को बहुत अच्छा है। सुविधा बन रहा था तो लगा जो सुविधा अच्छा मिलेगा, हम लोगों को डाल्टेंगे नहीं जाना पड़ेगा, ज़्यादा सीरियस रहे तो ही जाना पड़े। इसके बनने के बाद लोगों को लगा जो हाँ कुछ तो हम लोग को सुविधा मिलेगा। कब से ये बना है? ये 3 साल हो गया ऐसी पड़ा हुआ है। ऐसी पड़ा हुआ है और आते हैं अफसर लोग भी तो कई बार हम लोग कंप्लेन भी किए, इसका अभी तक कोई निवारण नहीं निकला। जब इस बारे में सिविल सर्जन से जानने की कोशिश की गई, तो सिविल सर्जन का भी ये मानना है कि पलामू में डॉक्टरों की कमी है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में बने उप स्वास्थ्य केंद्र में समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है। हालांकि डॉक्टरों की कमी को लेकर सरकारी स्तर से रिक्रूटमेंट प्रक्रिया चलने की उन्होंने बात कही है। क्षेत्रों में जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है, उसमें स्वास्थ्य उप केंद्र हैं, ESC हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, मंडलीय अस्पताल हैं और अभी जो जिला अस्पताल ही है तो उत्क्रमित मिदनी राय मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल हो गया है, तो वो उनके कंट्रोल में चल रहा है। इतनी सुविधाएं स्वास्थ्य उपलब्ध हैं। HR में HR की कमी तो है, अवेलेबल जो चीज भी है उसी में हम लोग समायोजित करते हुए कार्य को संपादित करा रहे हैं। डॉक्टर्स की भी कमी है, अगर पैरामेडिकल्स की भी है तो अभी तो हम लोग पैरामेडिकल्स में हाल में रिक्रूटमेंट किए हैं, NM वगैरह हमारी सफिशियंट है, उनसे काम चल रहा है। बाकी अदर्स के लिए सरकार के स्तर से इस पर कार्य किया जा रहा है। खबर की शुरुआत में हमने आपके सामने एक सवाल रखा था, शायद इस रिपोर्ट को देखने के बाद जवाब आपने ढूंढ लिया होगा। अब एक और सवाल इस सिस्टम से कि आखिर कब इस लचर व्यवस्था में सुधार आ पाएगा और कब यहां के आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल पाएगी। समाचार प्लस के लिए पलामू से प्रभु दयाल तिवारी की रिपोर्ट।